हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z8 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का माइक्रोफोन अगर वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है माइक्रोफोन, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन का माइक्रोफोन अगर वर्क नहीं कर रहा है ना, यानी कि काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा, ये वाला। इस पेज में को रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, आपको अगला काम यह करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे आपको चेक कर लेना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो अपडेट नहीं होता, जिसके कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम भी बोलते हैं, तो मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं है तो उसे आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर आपको अगला काम यह करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं ना, इन सभी ऐप्स के है ना माइक्रोफोन की जो सेटिंग होती है उन्हें आपको चालू कर देना है, यानी कि परमिशन को ऑन करना है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, आपको एक एक करके ये प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए, यहां पर जो है ना, मैं इस ऐप की जो है उंगली से दबा के रखता हूं। इस ऐप को उंगली से थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो आपका इस तरीके का छोटा सा पेज ओपन होता है। इस पेज में आपको ये ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन है इसे आपको टैप करना है। इन दोनों में से एक टैप करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको ये परमिशन का ऑप्शन है, इसे टैप करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये नीचे की साइड ये माइक्रोफोन का ये ऑप्शन है, माइक्रोफोन का जो ऑप्शन है ये नॉट अलाउड की कैटेगरी में यहां पे आ रखा है, ठीक है। तो इसे आपको माइक्रोफोन पे टैप करके इसे जो है अलाउ की परमिशन पे टैप कर देना है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका ये अलाउ की कैटेगरी में चला जाएगा माइक्रोफोन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स के जो माइक्रोफोन की जो परमिशन है उन्हें आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। अगर अलाउ नहीं है तो इन्हें अलाउ कर देना है, इस तरीके से तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला काम करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का जो माइक्रोफोन होता है ना, मोबाइल फोन का जो माइक्रोफोन होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, हमारे मोबाइल फोन के माइक्रोफोन में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी मोबाइल फोन का माइक्रोफोन जो है वो वर्क नहीं करता ठीक से, ठीक है। तो मोबाइल फोन के माइक्रोफोन को हल्के हाथों से किसी ब्रश या कॉटन या जैसे भी करके मोबाइल फोन का माइक्रोफोन जो है हल्के हाथों से साफ करना है। ज्यादा ताकत या प्रेशर दबाव नहीं लगाना है माइक्रोफोन में, नहीं तो मोबाइल फोन का जो माइक्रोफोन है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और आपके मोबाइल फोन का माइक्रोफोन बिल्कुल ही खराब हो सकता है। इसलिए आपको हल्के हाथों से साफ करना है या फिर करवा लेना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी माइक्रोफोन का, अगर वर्क नहीं कर रहा है तो, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं कोई भी, तब आपको फोन को रीसेट कर देना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इस तरीके से रीसेट पर आपको टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पे आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का जो माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके मोबाइल फोन का जो माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, सर्विस सेंटर आपको चले जाना है अपने मोबाइल फोन के, और वहां पर आपको अपना फोन दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन का माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं, ठीक है।